महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जो बैठक बुलाई थी उस बैठक में न जाने का फैसला, उस पर बहिष्कार करने का फैसला हमने किया। इसका कारण पिछले 3-4 दिनों में महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना पद्धति से पुलिस का उपयोग करते हुए विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने की हरकत की गई, प्रयास किया गया, इसके बाद संवाद के लिए जगह कहां बचती है। हमारा तो मानना यह है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। और अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। हमने मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल खोल यात्रा निकाली, रोज इनके भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया, कैसे इन्होंने मुंबई को लूटा ये जनता के सामने लाया, तो हमारी यात्रा पर हमले हुए, हमारे एमएलएस पर हमले हुए, हमारे नेताओं पर हमले हुए। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से किरीट सोमैया जेड प्रोटेक्टी इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि बाहर लोग मुझ पर हमला करने वाले हैं, और पुलिस स्वयं उनको गुंडों के हवाले कर देती है, जिस प्रकार से मोहित कंबोज इनके ऊपर मॉब लिंचिंग का प्रयास होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। और वैसे भी हम गृह मंत्री के बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं है और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के इशारे पर चल रही है, तो फिर ये बैठक से निकलने वाला क्या है। इतना ही नहीं, तो एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहरम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आने जाने वाले के ऊपर हमला किया जाता है, उनके घर में पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा, हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे। और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। लेकिन ये बात यहां तक नहीं रुकती है, इल्लीगली उनको अरेस्ट तो किया ही जाता है, इस प्रकार के अलग अलग गुनाह तो लगाए जाते ही है, लेकिन अभी अभी जो खबर आई है उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया, एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। हम तो महाराष्ट्र को पुरोगामी कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे अहंकारी लोग आज सत्ता में हैं
कि जो अपने अहंकार के मद में लोकतंत्र को भूलकर, लोकतंत्र को पैरों तले दबाकर, लोकतंत्र को कुचलकर अपना राज चलाना चाहते हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, हम संघर्ष करेंगे, हम डरते नहीं हैं। आप हमारे जान पर हमला करेंगे तब भी हम आपका भ्रष्टाचार बाहर निकालेंगे। और बहुत स्पष्ट रूप से मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके हमलों को वैसा ही जवाब देना हमको आता है। जिस प्रकार से आप हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप तो पुलिस के भरोसे कर रहे हैं, पुलिस को साथ में लेकर कर रहे हैं, लेकिन हम वैसे ही जवाब देंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं इसलिए हम चुप हैं, लेकिन अगर पुलिस भी सरकार के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेगी तो यह समझ लेना चाहिए कि केरल में और बंगाल में हमारे सैकड़ों लोग मार दिए, फिर भी हमारा आवाज कोई दबा नहीं पाए, हम चुप नहीं बैठे, हम संघर्ष करे। तो महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहां हमारी ताकत भी उतनी है। और इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार इस सरकार की ओर से हो रहा है, ऐसे समय हम गृह मंत्री की बैठक में नहीं जा सकते, इसलिए हम नहीं गए। जहां तक लाउडस्पीकर का सवाल है, हमारी भूमिका स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए। जिस समय पुराने जमाने में हम भी देवी के नवरात्र में रात भर जगराता करते थे, हम भी गणेश जी के समय देर रात तक कार्यक्रम करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब से यह निर्णय दिया कि रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं चलेगा और केवल 15 दिन इसकी छूट दी जाएगी, तब से लेकर हमने 10 बजे के बाद हमारे कार्यक्रम बंद कर दिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हिंदू समाज करता है तो देश के सभी समाजों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, और अगर कोई करता नहीं है तो इस सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।